बिल्कुल सिंपल तरीका से आलू चॉप मैं बना रही हूँ, तो इस तरीका से मैं बनाऊँगी। देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, टेस्टी लगता है, चाय के साथ तो और अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं इस तरीका से आलू चॉप या आलू पकौड़ा, जो भी बोलिए, नाश्ता के लिए बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो बने रहिए मेरे चैनल में और मैं बनाने जा रही हूँ आलू का ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे और सुरक्षित होंगे, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए आज शाम का नाश्ता में बनाते हैं आलू चॉप, जो पोटैटो चॉप्स होते हैं वही। तो ये रहे उबले हुए आलू फ्रेंड्स। अगर आपका घर में आलू आ जाए और मीठा जैसे आलू लगे, अच्छा ना लगे, तो उसको आप चॉप बना के आराम से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस उबले हुए आलू को मैं मैश करके रखी हूँ। देखिए 4-5 आलू था मेरे पास, और इसमें मिलाऊंगी मैं, ऐड करूंगी नमक, नमक स्वाद अनुसार, और इंग्रेडिएंट सिर्फ अदरक, प्याज और हरा मिर्ची, और कुछ नहीं फ्रेंड। और थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा अगर पकौड़ा पकौड़ी या चॉप बनाती हूँ तो अजवाइन ऐड करती हूँ, क्योंकि ये जो तेल वाला रेसिपीज हैं तो थोड़ा सा सभी को ये नहीं भाता है, पेट में गड़बड़ी हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा अजवाइन ऐड करती हूँ, ताकि फटाफट करके हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो अब ऐड करूँगी इसमें हल्दी पाउडर, और बुतू आसपास चल रहा है फ्रेंड्स, चप्पल का आवाज़ सुन ही रहे होंगे। और ये रहे प्याज, अदरक और हरा मिर्ची, सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब ऐड करूँगी धनिया की पत्ती, तो ये रहे धनिया की पत्ती। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ, और इधर मैं रेडी करके रखी हूँ जो बेसन है। बेसन को लहसुन और सूखी लाल मिर्च एक साथ पीस ली हूँ, मतलब बेसन नहीं है फ्रेंड्स, जो मसूर का दाल है, मसूर का दाल या चना दाल या बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज मसूर की दाल को भिगो के उसमें लहसुन और सूखी लाल मिर्च ऐड करके पीस ली हूँ। देखिए, तो मसूर की दाल भिगो के पीस के अगर इसमें आलू में कोट करने से बहुत ही टेस्टी और थोड़ा सा क्रंची होता है, तो इसीलिए मैं मसूर की दाल ही आलू चॉप में ऐड करती हूँ। तो ये मेरा ये जो कोट करने के लिए तैयार हो गया है, और इधर इसको मैं मिला ले रही हूँ सभी इंग्रेडिएंट्स, और पोटैटो को, आलू को। तो चलिए मिलाते हैं। ये रहे अजवाइन फ्रेंड्स, देखिए इसको भी मैं इसमें मिला दे रही हूँ। और इस तरीका से करके सारे आलू का जो चॉप बनाने का इंग्रेडिएंट्स है सभी को मिला के इस तरीका से बना ले रही हूँ। अब इसको ये जो मेरा दाल पीसी हुई है इसमें कोट करूँगी, और कढ़ाई भी मेरा गर्म हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा आलू चॉप बन के तैयार, दोनों तरफ से रेड हो गया है, और क्रंची भी बना है। तो मेरा आलू चॉप बन के रेडी है फ्रेंड्स। देखिए, मसूर की दाल इसमें कोट की हुई हूँ,
इसलिए कितना क्रांची बना है। तो अब इसको निकाल ले रही हूँ खाने के लिए। आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको, और शाम का टाइम है मूढ़ी के साथ भी खा सकते हैं। बन के रेडी। तो ऐसे आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। मेरा रेसिपी अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नया व्यूअर से मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये रेसिपी खाने में, ट्राई करिएगा। एकदम आसान है, सिंपल है और बहुत शॉर्टकट, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है।